चंद मिनटों में सब कुछ खाक हो गया। जला हुआ आशियाना मणिपुर के हालात का सबूत दे गया। उपद्रवियों ने केंद्रीय मंत्री को भी नहीं बख्शा, भीड़ ने उनका घर भी फूंक डाला। हिंसा की यह खौफनाक तस्वीर मणिपुर की राजधानी इम्फाल के कोंगबा की है। रात के करीब 11 बजे थे, अचानक हजारों की भीड़ विदेश राज्य मंत्री आर के रंजन सिंह के आवास में घुस गए। उनकी संपत्ति को आग लगाने लगी। गेट पर तैनात हाउस गार्ड भीड़ के सामने बेबस हो गए। भीड़ ने चारों तरफ से पेट्रोल बम फेंके, जिनसे पार पाना हाउस गार्ड के बूते की बात नहीं रह गई। हालांकि इस हमले में विदेश राज्य मंत्री और उनका परिवार सुरक्षित रहा, लेकिन केंद्रीय मंत्री आर के रंजन सिंह को यह कबूलना ही पड़ा कि हालात बेहद दुखदाई है। Luckily, on that very night, my children are just arrived to Delhi. Otherwise, see, this is the second attempt. First attempt, I was there, so I requested the security advisor for prompt action. But yesterday, nobody is there, and then about nobody is there means my mothers and brothers are there, and then what happened? The earlier attack was in early evening, that was 8:30. Yesterday was about 10:30. So everybody is relaxed, and even the security, we cannot come up. So that was happened. मणिपुर के हालात पर केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर हमलावर कांग्रेस ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री के बयान को साझा करते हुए जयराम रमेश ने ट्वीट किया, ये मणिपुर से आने वाले केंद्रीय मंत्री हैं जो अपने राज्य की मौजूदा स्थिति पर विलाप कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री अब भी चुप है। वो अपनी अमेरिका यात्रा की तैयारियों में व्यस्त है। मैं स्तब्ध हूँ। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से विफल हो गई है, ये केंद्रीय मंत्री आर के रंजन सिंह कह रहे हैं, जिनके घर को भीड़ ने गुरुवार की रात को जला दिया। जयराम रमेश के ट्वीट के साथ ही कांग्रेस के दूसरे कारकुन भी मणिपुर हिंसा की आड़ में बीजेपी और केंद्र सरकार पर सवाल ही उठे। दूसरी विपक्षी पार्टियां भी पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाने लगी। उनके पास तो एक ही एजेंडा, पोलराइजेशन। दिल्ली में यूसीसी की बात करो, बैंगलोर में एंटी कन्वर्जन की बात करो, और हम दिल्ली में बात करेंगे रोजगार की, महंगाई को खत्म करने की, और बैंगलोर में बात करेंगे महिलाओं के सशक्तिकरण की। इसके एजेंडा में, हम बीजेपी के एजेंडा में नहीं जाने वाले, ना देश जाने वाले। प्रधानमंत्री जी अब विदेश जा रहे हैं, मणिपुर की छवियां विदेश तक पीछा करेंगी। आपको बोलना चाहिए, आपकी चुप्पी शह दे रही है लोगों को। नॉर्मलिसी रिस्टोर करने के लिए आपको जाना होगा, हीलिंग टच देना होगा। प्रधानमंत्री मजबूत तभी दिखता है जब वो संवेदनशील हो। संवेदना विहीन मानकों के आधार पर आपकी मजबूती का क्या करें? आरती उतारे, देश के हालात क्या, भुखमरी पड़ रही है, कहीं है, लोग बेरोजगार हैं, उनको सुधारिए। जब देश सुधरेगा, ये बातें करने से, इधर उधर की बातें करने से नहीं सुधरेगा। मणिपुर में मैथी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में कुकी समुदाय सड़कों पर उतर गया है। 3 मई को हाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद यहां झड़पें शुरू हुई थी, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 3 दिन का दौरा किया था। पिछले महीने आर के रंजन सिंह ने मणिपुर के मैथी और कुकी समुदाय के लोगों के साथ एक सामूहिक बैठक भी की थी, जिसमें चर्चा की गई कि हिंसा प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य में शांति कैसे लाई जाए। लेकिन शांति तो दूर की कौड़ी बन गई। गुरुवार को राहुल गांधी ने भी ट्वीट के जरिए मणिपुर के हालात को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।